जनता न मालिक है भाई, जो कौन आएगा नहीं आएगा जनता न तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम शुरू किया सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, पहले पटना में और फिर बेंगलोर में मीटिंग हुई, वो इस सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप देख रहे हैं केवल बिहार में रूल ऑफ लॉ क्या होता है वो बिहार की जनता देख चुकी है, और यही मॉडल है जो मॉडल सक्सेसफुल है। बिहार में फर्जी इनकाउंटर नहीं होता है, बिहार में कभी भी पुलिस को गलत इनकाउंटर करने के लिए नहीं कहा जाता है। बिहार में ये कहा जाता है कि अपराधी को सलाख के पीछे बंद करो, और इसका प्रभाव, इनका मॉडल जो है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 17 साल में बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा, एक दिन लगा नवादा में सिर्फ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बिहार में कभी जातीय और सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिए नीतीश कुमार, इससे बड़ा एग्जाम्पल देश पर क्या हो सकता है। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी को विपक्ष के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके 2024 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, उस काम में वो लगे हुए, आगे भी वही काम वो करेंगे। और जो बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है बिहार में काम करने का, जो उनके जिम्मे आज के डेट में है, वो काम किया। और कितना पार्टी कहाँ है वो जानकारी है किसी को, कौन पार्टी थी। तो जैसे ही इंडिया बनी उसका काउंटर इफेक्ट क्या होता है उस दिन दिखाई पड़ गया। और जनता न मालिक है भाई, जो कौन आएगा नहीं आएगा जनता न तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम शुरू किया सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, पहले पटना में और फिर बेंगलोर में मीटिंग हुई, वो इस सही डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज बयान देख रहा था, हमारे जो साथी है, नीतीश कुमार जी विपक्ष के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम देश भर में कर रहे हैं, और बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है 2025 तक काम करने का, वो जवाबदेही उनके ऊपर है, वो काम वो करेंगे। जो जनता ने आगे क्या होगा वो भविष्य के कर्म में है, लेकिन आज के डेट में नीतीश कुमार जी देश में विपक्षी एकता का एक धुरी है, और वही वो प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। कहां चुनाव लड़ने की बात होगी, अभी अभी तो उनका काम है विपक्ष के सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के 2024 की तैयारी के लिए। आप सब साथी जानते हैं कि यही काम वो तो कर रहे हैं, और उस काम में कितने सफल हुए हैं उसका रिजल्ट सामने में है कि पटना और बेंगलोर में जो मीटिंग हुई है, और विपक्ष के लोगों को, जो एनडीए के लोग हैं, उनको जाकर के पहली बार मीटिंग करना पड़ा, एक। और सेकेंड, बिहार के जनता ने बिहार चलाने का मैंडेट दिया है, वो बिहार में गवर्नेंस को लेकर के, बिहार में अभी जो स्थिति है सुखार का, दिल्ली तो मॉनिटर करता है सुबह से शाम तक कि क्या हो सकता है, अभी वही काम है।